ये तो आप जानती हैं कि इस समय L&T भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियों में से एक है, जो निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इंस्ट्रूमेंटल। इसी के साथ ही L&T ने मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, रूस, CIS कंट्रीज, मॉरिशियस, अफ्रीका और सार्क देशों में निर्माण व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए L&T ने एक बड़े काम को अंजाम दे दिया है, जिसके लिए उसने फिनलैंड की कंपनी कॉनक्रेन के साथ एक लाइसेंसिंग समझौता किया है, जो कि क्रेन और लिफ्टिंग उपकरण के निर्माण और सेवा के साथ ही साथ मशीन टूल्स की सेवा में माहिर है। और खास बात यह है कि ये फर्म दुनिया में 10 में से एक क्रेन का उत्पादन करती है, जिसमें से लगभग 80% कारखानों में उपयोग किए जाते हैं, बाकी बंदरगाहों में अपनी सेवाएं देते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ L&T कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, यानी कि अब कॉनक्रेन्स की क्रेन्स भारत में मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनेंगी। यहाँ मजे की बात तो यह है कि एग्रीमेंट अभी हुआ ही है और भारत की कोची शिपयार्ड ने समझौते के तहत पहला ऑर्डर 2 शिपयार्ड जेप क्रेन के लिए दे भी दिया है। अभी बनने में समय लगेगा, लेकिन कोची शिपयार्ड के 2 क्रेनों के ऑर्डर से ये साबित हो जाता है कि ये क्रेन वाकई में ताकत रखती हैं, जिसकी भारत को आज के समय में काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि जब चाबहार पोर्ट के लिए क्रेन्स की आवश्यकता थी, तब भारत ने ग्लोबली टेंडर निकाला था, लेकिन अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब L&T देश में ही क्रेन्स का निर्माण करेगा और ज़रूरत पड़ने पर इनका निर्यात भी करेगा। अब बता दें कि ये क्रेन तमिलनाडु के L&T के कांचीपुरम कारखाने में बनाई जाएंगी और 24 महीनों के भीतर डिलीवरी के लिए भी तैयार कर दी जाएंगी। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। 2 साल पहले जहां भारत को सोचना पड़ रहा था कि अब आगे क्या करना है, और आज समीकरण ऐसे बदले हैं जहां भारत ने सोचना छोड़ के समझौते करना शुरू कर दिया है, जो भारत को क्रेन्स के क्षेत्र में बड़ी ताकत देने का काम करेगा, साथ ही साथ निर्भरता को भी समाप्त करेगा।